हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं कॉलेज में हूँ और होने वाला यहाँ पे डिबेट कंपटीशन, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉलेज में डिबेट कंपटीशन कैसे होता है। मिस प्रिया वर्मा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर हमारे वाद विवाद का मुद्दा है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एनवायरमेंट की सरकार सुरक्षा करता है या नहीं। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरमेंट के लिए प्रोविजन दिए गए हैं, लेकिन लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर जाने के बाद भी आज भी हमारे देश में इसके लिए कोई सुधार नहीं हो रहा है। और कदम की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे कि संविधान में पार्ट दिया गया है कि पार्लियामेंट किसी भी कानून बना सकता है, तो अब इसकी जरूरत है। तो जरूरत के हिसाब से हमारा जैसे कि एक्ट 21 के तहत हमें बताया गया है कि जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ वायु और स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार है। एमसी मेहता के केस में बताया गया कि हर सभी व्यक्तियों को स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है और पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। हम अगर विश्वास करते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रिक्ट प्रोविजन दिए हुए हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बट हम जाने की इच्छा इंडिया में 12-13 जो शहर हैं वो भारत से हाईली पॉल्यूटेड क्यों आ रहे हैं। अगर हम ग्लोबल इंडेक्स देखें उसके अंतर्गत भारत का 150 रहेंगे और 168, ये हम कैसे इसको सुधार कर सकते हैं। अगर ऐसे 47 and 48 आर्टिकल वर्ड दे बट दे इनडायरेक्टली लेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आर्टिकल 272 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेड ऑल द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज विल रिमेन अंटिल दे आर रिपीट अमेंडेड और ऑल्टर्ड बाय लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंट लेजिस्लेशन, एंड दिस कॉम्पिटेंट लेजिस्लेशन नेवर हैपेंड फॉर ऑलमोस्ट 2 decades। Environment is not there any exploitation. The charges which are imposed on the guilty person, abused person, are of future generations with the absolute liability. But that is Article 51AG. It says that how the citizens can protect the environment, but which include everything, lakes, rivers, forests. देश की जनता को सड़कों पर उतर करके अपनी मां की रक्षा हेतु लड़ाई करनी पड़ी है। बहुत है मेरा प्रश्न है कि यदि संविधान पर्यावरण की रक्षा करने में सक्षम है तो क्यों समय समय पर नर्मदा बचाओ आंदोलन, पानी पंचायत, चिपको आंदोलन, अपीको आंदोलन जैसे अनेकानेक आंदोलन हमें देखने पड़े और इसमें न जाने कितने ही लोगों की जान चली गई। मौके 42 संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 48A और 51A जैसे प्रावधान जोड़े तो गए, परंतु यह राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान में शामिल करे गए, जिसका अर्थ यह है कि हम इन्हें लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकते। रूरल लिटिगेशन एंड
एंटाइटलमेंट केस देहरादून बनाम स्टेट ऑफ यूपी के बाद में न्यायालय ने कहा कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अगर यह हमारा मौलिक अधिकार है तो क्यों आज हम विवश हैं प्रदूषित सांस देने पे, क्यों हम विवश हैं प्रदूषित पानी पीने पर, क्या यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। बहुत से कुछ आंकड़े की बात करें तो दिल्ली आज विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 190 देशों में 169वें पायदान पर आता है। पूरे विश्व में प्रदूषण से मरने वाले लोगों की संख्या में भारत सर्वाधिक है, लगभग 6.51 मिलियन पीपल से प्रदूषण से मर जाते हैं। भारत विश्व के टॉप 10 देशों में आता है जो सबसे ज्यादा कचरा जनरेट करते हैं। बहुत एक वाक्य है कि गुड़गांव में वहां के लोकल निवासियों द्वारा एक अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क नामक एक जंगल की स्थापना करी गई, जहां पे 25,000 से ज्यादा पौधे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा और समय अनुसार वो जंगल में परिवर्तित हुए। लेकिन हमारी सरकार ने वहां पे 6-लेन हाईवे बनाने के नाम पर वह जमीन हड़प ली और वो पेड़ काट दिए। क्या ये संविधान की विफलता नहीं है? मैं सत्यम भैया बहुत तगड़ा बोले। अभी यहाँ पे डिबेट चल रहा है और सब लोग अभी बैठे हैं। डिबेट अभी चल रहा है। तो साथियों, मुझे तो पंक्तियां आज के इस भव्य विषय क्या भारतीय संविधान पर्यावरण की रक्षा करता है, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों को सुन करके, दोनों की अनुभूति करके वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि जाग तुझे तेरा अतीत स्मृतियां धिक्कार रही है, जाग तुझे तेरा अतीत स्मृतियां धिक्कार रही है, अरे जाग जाग तुझे भावी पीढ़ियां पुकार रही है, जाग जाग तुझे भावी पीढ़ियां पुकार रही है, मेरे कहने का आशय है। Environment is defined as the surrounding or condition in which person, animal or plant lives or operates. India is the first country to provide constitutional protection to the environment in 1972. India's former Prime Minister, late Mrs. Indira Gandhi, attended the UN Conference on Environment at Stockholm. To present my views on the topic, does Indian Constitution protect environment, in against the motion, as we know, the Constitution of India is supreme law in India, but as everything has two phases, just like Constitution has some negative and positive points. And it is Rashida T. Today I am from LLB Honors first semester. Today I am here to represent my some views on the topic of does Constitution protect our environment. So I want to say that tumhari har takleefon ka main ek mukammal jawab hu. तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। As we all know that the Constitution of India was framed by the Constituent Assembly, set up under the Cabinet Mission Plan of 1946. As we all know that nothing is destroyed, is made perfect, or can be made perfect. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer